और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज की शुरुआत ऐसे हो रही है कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं एज यूजल, जो डेली का रूटीन है, और ये सब साफ़ सफाई, बेड क्लीन, इधर का ये सब हो चुका है, सफाई हो चुकी है, बस नाश्ते का टाइम है। अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ इनके लिए, और ये नहाने गए हैं, तो नहा के आके ये नाश्ता करेंगे और हम बनाएंगे नाश्ता, और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या काम है जो हम लोग और करें। इसके ये जो मैंने ये आज जो कमरे में जो होता है ये बेड शीट और ये इसका चेंज किया है और ये यहाँ रख दिया है। अभी इसके कवर चढ़ा के वहाँ सेट कर दूँगी, और ये कंबल सोच रही हूँ कि इन पे कवर कर देती हूँ जिससे कि ये गंदे, लेकिन अभी कवर करने के लिए मना कर रहा है सारा, कह रहा है मम्मी फिर गर्मी लगेगी कि मोटे हैवी हो जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं। अभी पता नहीं ये क्या कि ये आवाज़ आ रही है, ये भगवान आवाज़ें यहाँ इतनी आती रहती हैं, कभी ट्रांसफार्मर की, कभी की आवाज़, कभी इसकी आवाज़, कभी उसकी आवाज़, फिर जो कसर रह जाती है वो स्कूल की आवाज़। अभी देखा कि सारांश का ब्लॉग नहीं आया है आज का, तो मेरे को नहीं पता कि उसने किया तो था रात को अपलोड, और लेकिन मुझे लग रहा है कि वो शायद मतलब एडिट करके अपलोड करना भूल गया है, और अगर जैसे ही वो अब स्कूल से आएगा तभी वो अपलोड हो सकता है, और जब तक के लिए माफ़ी चाहते हैं कि भाई लेट अपलोड हुआ होगा ब्लॉग, रह जाता है, कभी कभी हो जाता है सब, क्या भाई वो भी एक बच्चा ही है, एक क्या बच्चा ही है, तो हो ही जाता है, तो हो सकता है वो भूल गया हो, लेकिन अपलोड के लिए उसने सोचा मैंने लगा दिया पर वो सेंड नहीं हो पाया हो, तो वो आएगा उसके बाद ब्लॉग आएगा। यहाँ रेडी हो चुके हैं और भाई हो रहा है यहाँ नाश्ता और जाने की पूरी तैयारी। मैं ना एक बात पूछनी थी यार, मुझे ये बताओ मेरे को, मैं आज बच्चों के लिए क्या बनाऊँ खान लंच में? एक खाली कंटेनर लेना बड़ा वाला, उसको लेके पूरे घर में ऐसे घूमना, उसको बंद कर देना, उसके अंदर एयर आ जाएगी, बच्चे आएंगे जो मम्मी आज क्या बनाया है, तो उसे खोल देना, बोले हवा। वाह वाह वाह, तो मैं क्यों ना आज ऐसा ही करूं? ऐसे ही करूं देख, मैं तो वैसे भी लेट आऊंगा आज, ये तुम अपना ध्यान कर लो। नहीं ठीक है, तो मैं आज देखती हूँ कि हवा से क्या होता है बच्चों का। कुछ नहीं, हवा निकलेगी। कंटिन्यू। देखा दीपक भी जल चुका है और लाइट एक्चुअली यहाँ से वो लूज हो गया है तार, तो उसका तार ठीक कराना होगा, पूजा हो चुकी है। स्कूल से आ गया है और आज ये अपनी बॉटल ले जाना भूल गया था, तो मैं सुबह एकदम से मैंने इसके जाते ही देखा, मैंने देखो कितना भी इनके चीज़ में हाथ में चीज़ें दे दो लेकिन फिर भी ये भूल ही जाते हैं। तो भाई आप देखो आज बोल रहा है मम्मी मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है, तो अभी आते ही बेचारा देखो बॉटल से पूरा पानी पी रहा है, पहले इसको इतनी प्यास लग रही है। और आप कल से ना आप सारी चीज़ें पहले अपने सामने हाथ में लेंगे सारी, तब जाएंगे घर से, आप ना सब चीज़ें छोड़ जाते हो, से काम नहीं चलेगा। अंदर ये निकलता है इनका, ये टी शर्ट है, शर्ट इसके ऊपर वाले एक जैकेट पहन के चल जाऊंगा ट्यूशन, मेरा काम हो गया ना। बहुत दिन हो गए थे, बच्चे आते थे बोलते मम्मी कुछ अलग बनाओ अलग बनाओ, वैसे तो बच्चे हमेशा ही बोलते हैं अलग बनाओ, तो आज मैंने बच्चों के लिए बनाया है राजमा चावल। तो मेरा उबला हुआ राजमा का ये आ गया, लो बोलते बोलते ही बच्चा हाजिर हो गया। उबला हुआ राजमा का? उबला हुआ राजमा तो नहीं है ये, तो गलत, ये तो सरासर गलत यार, थोड़ा ही बनाया मैंने, कहा फिर बहुत बन जाता है तो रह जाता है। ये ले, तू क्या सोच रहा है, तेरे लिए थोड़ा तो मैंने रखा है प्रोटीन, बस मेरा रात का काम हो गया, ये रात का काम इतने से हो गया, मैं और उबाल दूंगी राजमा। रोटी रोटी देख दो, दो बस, दो रोटी, ठीक है, चावल नहीं खाऊंगे सारा। इसमें ना कलर ब्लैक ब्लैक आ रहा है, मतलब डाउन कलर आ रहा है कैमरे में, चेंज करवानी है। तेरे हर चीज में दिक्कत हो जाती है पीनू, देखो दिक्कत तो पीनू ही है, अब इसमें चेन में दिक्कत। आइस खाना वाना खा लिया है मैंने, और ठंड भी आज ज्यादा बढ़ गई है, और इसलिए हमारी मम्मी को देखो कंबल में उबासी लेती हुई। तो अभी सबके लिए बनाता है गरम गरम सी कॉफ़ी, मस्त वाली, चलो कॉफ़ी बनाते हैं उसके बाद पीते हैं। तो गाइस मम्मी के लिए कॉफ़ी ले आया था, उन्हें उठा के दिए कॉफ़ी और नखरे थे कि चीनी नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, तो चीनी डाल के लाया हूँ, और ऐसे बेमन से पी रही हैं,
और उधर से पीनू भी आवाज कर रहा था, ले भैया तू ही पी ले। मतलब जब और जाओ वॉक पे, तो वॉक करने से तबीयत खराब होती है। मौसम पता है आपको, ठंड जल्दी पकड़ जाती है ना, आपको पता है। भाई साहब कॉफी ऑफिस अब हो गई है, अब फिलहाल चल रहा है खाने का सीन, उसके बाद खाना खा के रात में हम वॉक करने जाएंगे। हाँ मैं चलूंगी आज। आप चलोगी? हाँ, थोड़ी वाली। ठीक है थोड़ी वाली, थोड़ी वाली। और पीनू खा रहा है पराठे, मेरे लिए रोटी बनेगी बाद में, भरते से रोटी खाऊंगा क्योंकि मैंने कल बिल्कुल भरता नहीं खाया था। और अगर मेरा मन कर गया एक दो रोटी और खा लूंगा मैं। आज मम्मी की तबीयत मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लग रही, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी खाना तो मेरी ठीक है, तबीयत मेरी खराब नहीं है, लेकिन ना कहते हैं ना अंदर से। अब मैं एक बात बताऊं, अब आप डाइटिंग छोड़ दो, आपका ना चेहरा कमजोर सा लग रहा है, कमजोरी से आ गया आपके चेहरे पे। अब आप डाइटिंग छोड़ दो, आप खाना खाया करो। गाइस मम्मी ने खाना खाना छोड़ दिया, रोटी नहीं खाती, यही सब बोला था मेरे को, ये सब बोला था ना मेरे को। मैं खाती हूँ, मैंने राजमा चावल खाए हैं दिन में आज। हाँ जैसे मैंने चावल राजमा खाए हैं। और चावल राजमा चावल खा के मुझे गैस हो गई। मेरे पेट। गाइस अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं घूमते घूमते मंडी, क्योंकि मुझे चाहिए मूंगफली। अरे भैया ये स्कूटी की तो है, ये देख मैं इसलिए कह रही हूँ यहाँ पे, कल यहाँ लगा दियो भाई। कल भाई हाँ, कल अगर नहीं नहीं गद्दी का भी ना कर देना है ना। कल अगर मैं स्कूल में हूँ और जगह खाली देखे तो लगा देना, नहीं तो भैया आज अभी के लिए रात में पीछे कर दे। पीछे को चलो आके करते हैं पीछे, फिलहाल चलते हैं मूंगफली उफली लेके आते हैं। गाइस मम्मी बहुत परेशान कर रही है मेरे को, मैं इसलिए इन्हें लेके नहीं जाता हूँ कहीं। बच्चे की तरह मैं चल गई है, रील बनानी। भाई मेरा फोन रील के लिए नहीं है, ब्लॉग बनाता हूँ मैं बस। अच्छा हाँ। तो अपनी वो लगाएगा ना, दुनिया दुपट्टे फाड़ दी, फूट फाट के कुछ भी कुछ भी कुछ भी रील नाम गाने लगाता है जब। तो भैया वो मैं अपनी फोटो से लगाता हूं। हां तो हम भी तो फोटो से लेंगे, फोटो से लगाएंगे। नहीं 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 तुम बता, मम्मी कह रही है। मम्मी के आगे बोलने की हिम्मत करने की जरूरत नहीं, समझ में आया? अपना मुंह का ढक्कन बंद कर ले, तुम मेरा हाथ तोड़ रहे हो, फिर सब्जियां तुम्हें पकड़ के लानी पड़ेगी। देख लो इससे कटवा दूंगी, नहीं काटेगा वो मेरे को। हां कुत्ते से कटवाने की बात कर रही थी, आगे आग जल रही है, ठंड है भैया। हाँ सच में, इसलिए मैं टोपा लगा के आ गया। मूंगली लेने और यहाँ पे गिर गई मेरी मूंगली, और उसमें हो रही भुन रही है मूंगली। भैया हम आपके पास, हमें डिस्काउंट मिलना चाहिए मूंगली पर। बिल्कुल, हम तो रेगुलर हैं आपके। और क्या, कितना लेना चाह रही हैं आप? कम से कम 10 रुपये तो दो। इसमें कोई डिस्काउंट हुआ क्या? आप इसमें डाल दे तो काम आ जाएगी। यार सब्जी वगैरह सारी ले ली है, और माता जी तो आई थी सिर्फ मूंगफली लेने और प्याज लेने, पर दो चार सब्जियाँ एक्स्ट्रा हो ही जाती है भाई, अब दिख जाती और अच्छी अच्छी दिख रही थी ना। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, रात का टाइम था इसलिए सस्ती मिल गई, सस्ती मिल जाती है। 20 रुपये हम बैंगन लेकर आए। चलो भैया अब घर चलते हैं, मूंगफली खाएंगे। गाइस बिग बॉस देख लिया है, अब बार इस ब्लॉग को एंड करने की। ब्लॉग को ज़्यादा ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के शेयर जरूर करना। ठीक है आज के लिए कर दो यार शेयर, प्लीज कर दो। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिले कल सुबह नए तरह तरह के ब्लॉग के साथ।